हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। स्वागत है आप सबका फिर से न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करूंगा रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के सर्वाइवर सीरीज प्लान को, ब्रॉक लेसनर से मार खाने के बाद कमेंट्रेटर ने क्या बोला, रैंडी ऑर्टन के फ्यूचर प्लान को और अलेक्सा ब्लिस की इंजरी के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है अलेक्सा ब्लिस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलेक्सा ब्लिस हमें लास्ट टाइम हेल इन अ सेल PPE में टैग टीम मैच लड़ती हुई दिखाई दी थी अपनी पार्टनर निक्की क्रॉस के साथ, जहां उन्हें काबुकी वेरियर्स ने टैग टीम टाइटल में हरा दिया था। वहीं पिछले कुछ टाइम से अलेक्सा ब्लिस हमें TV पर नहीं दिख रही हैं। उनको लेकर अपडेट ऐसी हैं कि अलेक्सा ब्लिस शोल्डर इंजरी से सफर कर रही हैं और इसीलिए वो TV पर नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ लोग रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि अलेक्सा ब्लिस का करियर ओवर हो गया है, तो अलेक्सा ब्लिस ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे करियर की आप चिंता ना करें, वो सब फाइन है। अब देखते हैं अलेक्सा ब्लिस इंजरी से वापस कब लौट पाती हैं WWE की रिंग के अंदर। सेकेंड और बड़ी अपडेट जुड़ी हुई है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन से। जैसा कि कुछ टाइम पहले तक रैंडी ऑर्टन अपने ट्विटर अकाउंट पर AEW से रिलेटेड काफी चीजें पोस्ट कर रहे थे, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन के AEW में जाने को लेकर रूमर्स तेज हो गए, क्योंकि WWE के साथ उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और लग रहा था कि वो AEW में जा सकते हैं। अब जैसे ही रैंडी ऑर्टन ने इस तरह की पोस्ट डालना शुरू करी, तो WWE में और भी सुपरस्टार AEW में जाने को लेकर टीज होने लगे। बट आप सबको बता दूं, इन अपडेट्स पर अब फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने WWE के साथ एक और बड़ी डील साइन कर ली है। वहीं अब जब रैंडी ऑर्टन ने WWE के साथ बड़ी डील साइन कर ली है, तो लग रहा है कि उनका करियर भी अब WWE से ही एंड होगा। भैया बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर से जुड़े रैम्पेज की। हाल ही में रॉ के एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन दिखाई दिए, जहां वो रे मिस्टीरियो को ढूंढते हुए नजर आए और उन पर अटैक करना चाह रहे थे। वहीं ब्रॉक लेसनर रे मिस्टीरियो को ढूंढते-ढूंढते स्टेज पर बैठे अनाउंसर के पास आए और जेरी लॉलर को पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के हाथों मार खाने के लिए धमकी देते रहे। अब पता नहीं डियो मैडन को क्या सूझा, वो आके ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े हो गए और उनको हुल देने लगे। ब्रॉक लेसनर भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने उन्हें उठाया और टेबल पर F5 जड़ दी। अब हाल ही में डियो मैडन ने ब्रॉक लेसनर से F5 खाने के बाद एक ट्विटर पर पोस्ट करी और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जिंदा हूं, यानी कि वो जिंदा हैं और ज्यादा कुछ उनको हुआ नहीं है। हालांकि इसके बाद ब्रॉक लेसनर पर रे मिस्टीरियो ने स्टील पाइप से जोरदार अटैक करा था। और वहीं लास्ट अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोमन रेंज इस टाइम स्मैकडाउन में ड्राफ्टेड है और सेथ रॉलिंस इस टाइम रॉक के लिए परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। वहीं सर्वाइवर सीरीज PPV नजदीक है और हर साल की तरह इस बार हमें रॉ वर्सेज स्मैकडाउन वर्सेज NXT दिखाई देगा, जो कि NXT के लिए नया PPV होगा। वहीं अब सवाल आते हैं कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का इस PPV में क्या होगा। तो आप सबको बता दूं, इस तरह के रूमर सामने आ रहे हैं कि स्मैकडाउन से टीम स्मैकडाउन को लीड करेंगे रोमन रेंज, यानी कि वो कैप्टन होंगे अपने टीम स्मैकडाउन के। वहीं बात आती है अब सेथ रॉलिंस के सर्वाइवर सीरीज फ्यूचर प्लान की, तो आप सभी को बता दूं, इस तरह के रूमर्स काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं कि टीम रॉ के कैप्टन सेथ रॉलिंस हमें बनते हुए दिखाई देंगे सर्वाइवर सीरीज के लिए और वो रॉ की टीम को लीड करेंगे और जाके NXT और स्मैकडाउन की टीम से बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं सर्वाइवर सीरीज में टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन में कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे, उसके लिए रूमर्स ऐसे हैं कि हाल ही में हुए क्राउन जूल इवेंट में टीम होगन वर्सेस टीम फ्लेयर के बीच जो भी मेंबर शामिल थे, उसमें से ज्यादातर मेंबर ही टीम रॉ और टीम स्मैकडाउन का हिस्सा होंगे सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब देखते हैं सर्वाइवर सीरीज कैसा जाता है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।